अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन लाइव फ्रॉम ग्वादर आतिफ खान न्यू विजन ग्रुप। और ये हम आप लोगों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह जो इस वक्त एक्सप्रेसवे के ऊपर जो काम हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाया तकमील तक पहुंच चुका है। ये आप देख रहे हैं कि कितनी मशीनरी लगी हुई है, ये डिवाइडर तक बन चुका है। अभी इसमें दोनों तरफ से जंगले बनेंगे और फिर अब बाकी फिर लाइट्स का काम होगा और उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों में ये हमारी ये जो एक्सप्रेसवे है, और जो एक्सप्रेसवे रोड है वो ग्वादर पोर्ट को कोस्टल हाईवे के साथ कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। तो ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ लाइव। ऑलमोस्ट ये तकरीबन जो है वो ग्वादर पोर्ट से शुरू होकर कोस्टल को टच करेगी और ये तकरीबन 18 किलोमीटर लंबी ये रोड है कमोबेश। तो ये मैं आपको इसका प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन जो है ये आगे ये सारी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है रोड, और इस पर बस दोनों तरफ से अब जंगले लगने हैं और इस पर लाइट और इसके फिर वो जो जिस तरह लाहौर में हमारी रोड बनी हुई है ना जी मेट्रो बस के लिए, तो ये उस तरह करके ये टोटल जंगला लगेगा और इलेक्ट्रिकल इसके काम होने बाकी हैं। तो उम्मीद है कि ये ऑलमोस्ट 3-1 महीने तक ये सारी रोड जो है ये बन जाएगी और जून तक ये एयरपोर्ट की एक्टिविटी के साथ कनेक्ट होगी और कोस्टल के साथ ये कनेक्ट होगी। और उम्मीद है कि जो ग्वादर बंदरगाह है वो फिर इंटरनल पाकिस्तान के साथ जून तक कनेक्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।